वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है क्यू बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसमें आज सैंपल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। पहले तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने सैंपल प्रोग्राम्स देखा था व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रिंट स्टेटमेंट्स। अभी देखेंगे ये क्या क्या ऑप्शंस हैं ये सैंपल प्रोग्राम्स में, व्हाट आर ऑल वी गोइंग टू डू विद दीज सैंपल प्रोग्राम्स। ये है सेशन 2 और देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स दिया गया है। ओके, सो हमारे पास कितने सारे प्रोग्राम्स हैं? वी हैव अराउंड 4 प्रोग्राम्स नाउ। ओके, सो पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो हमें तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जानना चाहिए। दूसरा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वो बॉक्स तो उन लोगों ने मेंशन ही नहीं किया था क्या है वो। ओके सो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट वी आर गोना फाइंड एरिया ऑफ 2 थिंग्स, एक है ट्रायंगल और दूसरा है स्क्वायर, और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं बॉक्स का। एंड द लास्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स टू मीटर्स। ओके सो चलो सेशन के अंदर फर्स्ट ये ट्राई करते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर। सो इससे आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग है या नहीं। हमें तो ये नहीं पता है कि क्या लेंथ है, ब्रेथ है, क्या है एरिया ऑफ आई मीन साइड ऑफ स्क्वायर है, कुछ नहीं बताया था। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज अ इनपुट स्टेटमेंट है या नहीं, क्योंकि हमें इनपुट यूजर से लेके उसके बाद काम करना पड़ेगा इसमें सब। सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इनपुट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। आपको क्यू बेसिक ओपन करना पड़ेगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है या नहीं। यस, हाफ breadth into height. So this is going to be the area of a triangle. So हमें पता है area of triangle is half into breadth into height. So हमें 2 things user से मंगवाना पड़ेगा, एक है breadth और दूसरा है height है या नहीं। Yes. So हम इसे कैसे कर सकते हैं, पहले तो as usually हम जो program का structure है वो follow करेंगे। So CLS clear screen किसके लिए, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द आउटपुट स्क्रीन डिलीटेड। सो ये नया वाला डेटा होगा। और उसके बाद हेडिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ऑलराइट, सो ये भी टाइप करके किए हैं, OAR भी कैपिटल हो गया है। वेट, विल टेक इट ऑफ। ओके सो अभी मुझे क्या इनपुट करना है, I have to get the breadth of the triangle. So print statement में क्या लिखना पड़ेगा, print में लिखेंगे या input statement में क्या लिखेंगे, enter the breadth of the triangle. Okay? So ये कैसे enter होगा, with a variable. सोचो कि मैं b use कर रही हूँ। ओके और उसके बाद दूसरा इनपुट स्टेटमेंट क्या रहेगा, एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सो इसके साथ क्या करेंगे, h यूज करेंगे। ये तो सिर्फ हमारे के लिए वेरिएबल्स को मेंशन करने के लिए। सो इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन। ऑलराइट, सो हमें इनपुट मिल गया है, हम लोग ब्रेथ को इनपुट कर लिए हैं, हाइट को इनपुट कर लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया को डिटेक्ट करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 इंटू बी इंटू एच है या नहीं, क्योंकि ब्रेथ जो है बी के अंदर स्टोर होने वाला है, हाइट जो है एच के अंदर स्टोर होने वाला है। सो आई हैव टाइप्ड एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू बी इंटू एच। सो अभी क्या प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, टाइप करने के बाद क्लोज करके एरिया लिखो। ऑलवेज आप जब स्टेटमेंट्स को एक ही कमांड के अंदर सेपरेट कर रहे हो आपको कमांड यूज करना कमा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एंटर द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल कमा बी, एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कमा एच। समझ में आ रहा है ना? यस, दिस इज हाउ यू विल हैव टू यूज देम। ओके, सो अभी क्या कर किया है हम लोगों ने? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, एंटर द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अभी एरिया के लिए फॉर्मूला भी लिखा है और एरिया को प्रिंट करने वाले हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कैसे रन होगा ये प्रोग्राम। स्टार्ट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सो एंटर द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर्स, एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर्स, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 22.5। समझ में आ रहा है आपको? यस, हाउ डू यू क्रिएट इट? ऑलराइट, सो अभी स्क्वायर कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ इसको बदल दो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये वाला को जरूरत ही नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि स्क्वायर को सिर्फ साइड चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ स्क्वायर का साइड चाहिए। सो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड एंटर करेंगे और वील स्टोर इट इन अ डिफरेंट वेरिएबल। ओके, अभी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? a इंटू ए, ठीक है ना? साइड इंटू साइड इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, सो a भी रेडी है। दूसरा जाओ, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, सो अभी रन करके देखो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 49। समझ में आ रहा है आपको? यस, सो दिस इज हाउ वी विल क्रिएट द एरिया। अभी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कैसे करेंगे? सोचो कि बॉक्स इज गोइंग टू बी अ क्यूब बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है ना? सो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे जो हेडिंग है उसे बदलना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, एंटर द साइड ऑफ द बॉक्स। अभी एरिया के बदले व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? a इंटू a इंटू a, साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो वापस इंटू a कर दो। ओके, और अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस लिखना पड़ेगा। सो टाइप दिस, टेक दिस आउट, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसे टाइप करो, क्योंकि वेरिएबल हम लोगों ने अभी चेंज किया था। देखो यहाँ पे इट इज गिवन वॉल्यूम, सो यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम ही प्रिंट करना है। एरिया प्रिंट करोगे तो देयर इज नो वेरिएबल कॉल्ड एज एरिया और एरर आ जाएगा। ऑलराइट, सो अभी रन करो। स्टार्ट, एंटर द साइड ऑफ द बॉक्स, इफ इट इज गोइंग टू बी 81, इफ इट इज गोइंग टू बी 81, the volume of the box is going to be 531441. Agar the volume of the box is going to, side of the box is going to be 6, the volume of the box is going to be 216. समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है ये सब? आपने तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम में ये सब कुछ ट्राई किया था। I'm just showing you various types of possibilities. आपको ये प्रोग्राम्स को आंसर करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक तो आपका कमांड्स में आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, और मैथमेटिकल फंक्शंस, आपके फॉर्मूलास आपको याद रहना चाहिए। ऑलराइट, और लास्ट प्रोग्राम क्या था? कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। सो इसके लिए क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे और पहले प्रिंट करेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या है? कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स, यही है हेडिंग। ओके, कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स। सो अभी इनपुट करना है। इनपुट क्या करेंगे? Enter the kilometers. Enter the kilometers. और इसे हम कैसे देंगे? km में स्टोर करेंगे. आपको ऑलवेज याद रखना चाहिए जो भी इनपुट स्टेटमेंट आप दे रहे हो आपको वो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल देना पड़ेगा. वेरिएबल नहीं दोगे तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू स्टोर द इनपुट वैल्यू. अगर वेरिएबल नहीं दोगे तो जो इनपुट वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा उसका स्पेस आप मेंशन नहीं किए गए हैं. सो आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको जो इनपुट स्टेटमेंट आप क्रिएट किए हैं वेरिएबल के हिसाब से ही वो काम करेगा. सो ओनली व्हेन यू टेल वेयर टू गो एंड सिट तभी वो डेटा जाके बैठेगा, नहीं तो इट विल नॉट बी सेव्ड एट ऑल. ऑलराइट. सो अभी किलोमीटर से मीटर्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स है या नहीं? यस. सो अभी मुझे मीटर से कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 को, राइट और नॉट? यस. सो व्हेन आई वांट टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर टू 1 मीटर मुझे 1 किलोमीटर के साथ 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो अभी क्या करने वाली हूं? प्रिंट द मीटर्स क्या लिखेंगे यहां पे? कन्वर्शन इज क्या लिखना पड़ेगा हमें? हमें सिर्फ मीटर लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या लिखेंगे? डबल कोटेशन में मीटर्स लिखना है या नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यूज हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसका यूनिट चाहिए हमें. यस और नो? हमें तो पता है किलोमीटर्स एंटर कर रहे हैं मगर जो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है वो मीटर्स यूनिट के साथ डिस्प्ले होना चाहिए. सो व्हाट विल वी डू? कन्वर्शन इज डाल के उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मीटर्स जो m है वो वेरिएबल है जो डबल कोटेशन में आ रहा है, दैट इज द यूनिट्स जो यूनिट्स हम डिस्प्ले करने वाले हैं. सो अभी रन करके स्टार्ट वेट देखो ऑटोमेटिकली सेमीकोलन पॉपअप हो जाएगा. स्टार्ट करो. एंटर द किलोमीटर्स. सोचो मैं 4 किलोमीटर्स एंटर कर रही हूँ. कन्वर्जन इज 4000 मीटर्स. सो 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 4000 मीटर्स. समझ में आया आपको? आप जब कभी ये वाले यूनिट्स यूज करना चाहते हो वेरिएबल के बाद डबल कोटेशन में यूज करके एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? देयर आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन प्रिंट. एक स्टेटमेंट एंड होने के लिए हमें सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा. ऑलराइट. So what did we learn today? We have seen sample programs that includes input values, input statements, assignment statements के साथ हम लोगों ने programs किया था. So आगे के sessions में पढ़ेंगे क्या क्या control statements use करते हैं सिस्टम पे. Alright? ये जो QBASIC क्या क्या control statement use करता है वो भी हम देखने वाले हैं. Alright? So meet you in the next class with more amount of information about control statements. Until then, bye bye.